जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज कर रहा था मैं आप लोगों के साथ, काफी जर्नल एंट्रीज। अरे यार ये क्या हुआ, कराई थी मैंने आपको, एक सेकंड दीजिए। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जर्नल एंट्रीज हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक बार फॉर्मेट्स एंड ऑल देख लेंगे हम लोग। मैं आपको एक दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, नहीं कर दी ना, हाँ, बट ये क्या लफड़ा यार। देखो, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ आर सिंह, अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में। अभी तक मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई कि कैसे करनी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो आप उसको भी ओपन कर सकते हो, उसी का क्वेश्चन है ये, नहीं है तो आप इसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Following are the transactions of R Singh and company for the month of July, you are required to journalize them. आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। डेट दी हुई है, ईयर दिया हुआ है, जैसे पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अब इसकी एंट्री क्या करोगे बता सकता है कोई? यस सर, बताइए सर। पहले डेट आएगा और फिर पर्टिकुलर्स में। नहीं नहीं नहीं, account. हाँ मतलब मैं एंट्री पूछ रहा हूँ बस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जब आप आंसर करोगे तो आपका फॉर्मेट क्या रहेगा वो देखिए, आंसर हेडिंग आएगी जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, और एक ये कॉलम आएगा एलएफ। एलएफ कॉलम का मैं बताऊंगा आपको अगले चैप्टर में, जब मैं लेजर कराऊंगा आपको, लेजर फोलियो, इसकी फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। ये बच्चे कुछ ऐसा है जैसे ना आपके पेज नंबर होते हैं, कि भाई मान लो आप एक रजिस्टर में नोटिंग कर रहे हो, तो आप रजिस्टर में क्या करते हो, आप पेज नंबर लिखते हो, तो आप रजिस्टर में ये लिखोगे भाई जो क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं ये क्वेश्चन बुक में किस पेज नंबर पे है, तो आप लिखोगे बुक पेज नंबर, है ना। और जब आप बुक ओपन करोगे और आप देखोगे किसी क्वेश्चन के आगे, तो आप देखोगे यार ये क्वेश्चन मैंने रजिस्टर में किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, तो आप बुक में लिखोगे रजिस्टर पेज नंबर। आई बात समझ में? यही चीज यहाँ पर है। अभी मैं जितनी जर्नल आपको सिखाई है ना, और जो सिख रहे हैं हम लोग, ये सबकी पोस्टिंग होती है, जिसको हमने क्लासिफिकेशन भी बोला था लेजर्स में। तो फिर हम ये देखते हैं कि जर्नल जब हम कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये जर्नल एंट्री है, तो ये जर्नल एंट्री लेजर में किस पेज नंबर पर है, और लेजर में जाते हैं तो वहां पे आता है जेएफ जर्नल फोलियो, कि ये जर्नल की बुक में कहां पर है। प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई यूज नहीं रह गया, लेकिन थ्योरिटिकल आपके पास है तो हमें लिखना पड़ता है। लिखने के बाद ये ब्लैंक रहता है सारा, इसमें कुछ नहीं करते, सिर्फ ब्लैंक रहता है ये। फिर डेबिट और क्रेडिट, ये फॉर्मेट रहेगा। डेट में शायद फर्क है, ऊपर 2008 है 2006-07 है, कोई बात नहीं। आप डेट लिखेंगे, जर्नल जैसे लिखते हो वैसे लिखोगे, ये मेरे पास वर्ड की फाइल है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, इधर उधर से मेरा मतलब है, जैसे ये टू के आगे मैंने स्पेस नहीं दिया होगा, चलो अब दे दिया, तो इस चीज का माइंड मत करना, आपको जैसे बताया वैसे ही लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट पूरा लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखेंगे, आप ए ओब्लिक सी लिख सकते हैं, ये टाइपिंग है तो टाइपिंग में पूरा टाइप हो गया है डेबिट। हाँ जी सर, मैंने एक चीज नोटिस करी थी, जब मेरे को स्कूल में करवाया गया था ना जर्नल, तो सर जब इसमें लिख रहे थे तो सर हम नाम के बाद अकाउंट नहीं लिख रहे थे, अगर किसी का नाम लिख रहे थे तो। हाँ वो भी एक थ्योरी है सर,
वो भी अगर स्कूल में वैसे करा रहे हैं तो आप उसको फॉलो कर लेंगे। हालांकि आगे इस चीज से कोई इशू नहीं होता। इशू क्या नहीं होता, मतलब आगे की जो बड़े ऑथर्स बड़ी बुक्स हैं, 11th के बाद आप जाओगे तो वहां अकाउंट्स लिखा हुआ है। ओके सर। अभी आप वही फॉलो करेंगे जो स्कूल में, मैं ये चीज बार बार बोलूंगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये डेबिट वाले कॉलम में आ गया। टू कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट में आ गया। और ये जो नीचे हम लोग लिखते हैं, ये नरेशन होती है। नरेशन का मतलब है हम एंट्री किस चीज की कर रहे हैं। बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, बस बीइंग होना जरूरी है थोड़ा सा। उसके बाद आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। समझ आया आपको? यस सर। अब आप मेरे को इस तरीके से ये करके देंगे क्वेश्चन, और फिर मैं चेक करूंगा आपकी कहाँ गलती आ रही है, क्योंकि जनरल एंट्री भी अब आपको तभी रिवाइज होगी जब आप ट्राई मारोगे। और वो जो मैं कराता था ना, पूरा लिखता था कि भाई कैश अकाउंट है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, वो सब अगर करना है तो रफ में करो या कहीं वर्किंग नोट में करो। मेन में आप देखोगे सिर्फ जनरल एंट्रीज नजर आएंगी, ये ध्यान रखना। वो मेन नहीं था, मैंने तब भी बताया था कि वो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। अब आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, जरा स्टार्ट कीजिए फटाफट से। सर मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही है। सर आपका नेटवर्क एरर आ रहा होगा, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। मैं एक काम करता हूं, सर इस क्वेश्चन की आप फोटो भेज दे सकते हो? हाँ मैं वही काम कर रहा था सर। देखो ये पूरे की ना एक साथ नहीं आ रही, तो ये पहले वाली एंट्री आप लोग लिख लेना, जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब आ जाएगी। सर अब भी ब्लर ही आ रही है। सब ब्लर आ रही है, स्क्रीन ब्लर आ रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको भेज रहा हूँ, एक सेकंड दो मुझे। आप अपना व्हाट्सएप ऑन करें, ये व्हाट्सएप पर आ रही है आपके पास। देखो मैंने भेजी आपको। पहुंच गई? प्लीज प्लीज रिप्लाई। यस सर। अब करिए इसको, जहां डाउट आएगा मैं बैठा हूं, बताइए मुझे।
हाँ जी सर, पहली तीन ट्रांजेक्शन सेम डेट के, तो उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं? अलग अलग ही लिखने हैं सर। सर हाँ जी सर ये जो सेकंड है सर, इसमें एक कैपिटल एक बैंक है, तो सर जो कैपिटल है तो वो बैंक में पेड करेंगे तो डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। सर, कैपिटल पेड इनटू बैंक का मतलब ये नहीं है कि हमने कैपिटल बैंक में डाल दी। इसका तो मतलब ये है कैश कि ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, लेकिन इस बार जब उसने पैसा लगाया तो उसने कैश नहीं लगाया, उसने बैंक में डिपॉजिट कराया। तो एक आपका ओके बैंक इंक्रीज होगा और एक कैपिटल इंक्रीज होगी। ओके सर। सर इसका ये नहीं होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सर हमारा कैश कम हो रहा है ना, हम बैंक में डाल रहे हैं उसे। सर अगर हम इसको पहले वाले से लिंक करके चलते हैं तो फिर यही होगा। एक बार देख लेता हूँ सर। हाँ यही है इसका। दीपक दोबारा सुन लो भाई, इसमें इसका मतलब यह है कि जो पहली एंट्री में आपने बिजनेस में पैसा लगाया ना, वो कैपिटल थी, फिर आपने उस कैपिटल को बैंक में डाला है। इस 8,000 में से 5,000 बैंक में डिपॉजिट हो गए, तो आपका कैश कम हो गया और बैंक इंक्रीज हो गया।
जुलाई 6 की ट्रांजैक्शन में जब हम अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो सर हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा या कैश? सर ना तो कैपिटल ना कैश, इंक्रीज क्या कर रहे हो? इंक्रीज क्या हो रहा है सर? फर्नीचर और आप उधार पे खरीद रहे हो तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके सर, फर्नीचर इंक्रीज और बनर्जी ब्रदर्स के नाम से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि आप उधार पर परचेज कर रहे हो। सर इन केस यहाँ पे लिखा होता है बैनर्जी ब्रोस फॉर कैश तो हम क्या डिक्रीज करते हैं? कैश। तो सर हम कैपिटल किस केस में डिक्रीज करते हैं? सर कैपिटल डिक्रीज होगी जर्नल एंट्रीज में सिर्फ तब जब ड्राइंग आएगी और वहां पर भी कैपिटल डिक्रीज नहीं होगी, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी कैपिटल डेबिट हो रही है, तो वहां पर भी बस कैपिटल अगर डिक्रीज होगी ड्राइंग के केस में तो नाम ड्राइंग का ही आएगा और कोई केस नहीं है सर। ओके सर,
कहां तक पहुंचे? जुलाई 16 24 जुलाई। ठीक है ठीक है, करो बराबर, अभी मैं शो करता हूँ। हाँ वंश, सर 26 जुलाई की पेमेंट में लिखा नहीं है कि फुल सेटलमेंट में है, लेकिन हम उसको कंसिडर करेंगे फुल सेटलमेंट। नहीं करेंगे सर, बाकी डील छोड़ देंगे, जो पेमेंट है सिर्फ उसी की एंट्री करेंगे। और सर ऑन अकाउंट का क्या मतलब है? ठीक है, क्लियर हो गया। सर ऑन अकाउंट का क्या मतलब है? ओन अकाउंट कौन? अच्छा सर, बैंक से गया है। ओके सर।
सर हम डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं डेबिट? सर डिस्काउंट रिसीव हमारा फायदा होता है या नुकसान? सर फायदा। फायदा तो मतलब इनकम, इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। ओके सर। सर ये 31 बताना। सर 31 रेंट ड्यू है बट नॉट पेड, तो ये आपका खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है वो है। उसका मैंने पूरा एक क्लास दिया था आपको कि जो खर्चा होता है वो डेबिट हो जाता है और अगर वो बकाया है तो वो लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट हो जाती है, ये एंट्री बनेगी। जिन लोगों की क्लास मिस हो रही है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐप में या वेब पेज में वो देख लेते हो क्लास को। यस सर मैं देख ली। हो गया हो तो मैं शो करूंगा, बताना। डन सर। वंश सर लास्ट फॉर्म। आंसर चेक करो, देखो किस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए हो। नरेशंस का भी ध्यान रखना, फॉर्मेट का भी ध्यान रखना। सर ये ब्लर आ रहा है भाई, ब्लर आ रहा है, सबको ब्लर आ रहा है क्या? यस सर। अब सर ब्लरी है सर, आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करके दोबारा करो। भाई वही किया था ये, मैंने बंद कर दी। अब देखना
सर अभी भी बुला रही है। चलो मैं बोलता हूँ एंट्री को, तो आप मैच कर लोगे? यस सर। फर्स्ट एंट्री थी हमारे पास बचे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सेकंड एंट्री अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस सर। थर्ड एंट्री थी अपने पास डेट सब में सेम है 1 जुलाई, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस सर। यस सर। थर्ड नेक्स्ट एंट्री फॉर 2nd of July परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस सर। उसके बाद पोस्टेज स्टैंप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस सर। फिर उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस सर। यस सर। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बनर्जी ब्रदर्स अकाउंट, यस सर। यस सर। July 21 महेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस सर। सर July 11 की नहीं चाहिए? 11 ही बोला मेरे भाई। ओके सर, सेवा फिर रिपीट कर दो July 11 की, महेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके सर। July 12 बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र अकाउंट, यस सर। July 14 बनर्जी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस सर। July 16 रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस सर। यस सर। July 20 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एस सेठ एंड ब्रदर्स अकाउंट, यस सर। July 23 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एस नारायण एंड कंपनी अकाउंट, यस सर। इसका कैश नहीं होना चाहिए सर? नाम दिया हुआ होगा ना, कैश लिखा नहीं होगा? अगर दिया है तो फिर कैश आएगा। एक सेकंड देख, रुक जाओ मैं देख लूं आंसर क्वेश्चन। हाँ कैश आएगा, यहाँ पे आपके पास कैश आएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा July 23 में, यस सर। July 24 पी प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस सर। July 26 बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी अकाउंट, यस सर। यस सर। July 28 एस सेटी एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 700 टू बैंक अकाउंट 685 टू डिस्काउंट अकाउंट 15, यस सर। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट। July 31 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और July 31 की तो मैंने कराई दी थी आपको, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है एक सेकंड रुकना जरा। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अच्छा यही पिलर आता है, या अगर मान लो मैं कुछ और भी दिखाता हूँ, ये भी ब्लर आ रहा है? अच्छा नहीं, अभी नजर ही नहीं आ रहा होगा ना आपको, एक सेकंड रुको।
ये चीज भी ब्लर आ रही है। ये सर थोड़े से उसके पिक्सल डिस्टॉर्टेड आ रहे हैं, वो से इसलिए हो सकता है क्योंकि सर आप क्लास भी ले रहे हो और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो। ओके इज सर, और ये जब करता हूं तो ज्यादा ब्लर हो जाता है। ये सर जितनी छोटी चीजों की सर उतना ही ज्यादा ब्लर दिखेगा वो। अच्छा, ये ज़ूम करके, ज़ूम करके सर क्लियर दिख रहा है जैसे। अब ज़ूम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, तो ज़ूम करते हैं भाई। अब ठीक है, ये सर एक बार ये 10 को करेंगे 10। अब ये एंट्रीज वही कर पाएगा जिसने क्लास या तो ढंग से ली होगी या ढंग से वीडियो देखी होगी। और भी बड़ा कर सकता हूं मैं इसको, वंश हुआ सर लास्ट वाले का सोच रहा हूँ कि क्रेडिट क्या होगा, डेबिट तो हो जाएगा, स्टॉक हमारा एसेट है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था ये मगअप करनी पड़ेगी, एक एंट्री, ये वही एंट्री थी इसका ट्रेड वाली। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट, तो जो क्रेडिट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके सर, बाकी तो होगी दोनों ऊपर वाली। बाकी करी किसी ने? अंगद जी सर, पहली एंट्री भाई सर, हाँ जी हो गई। यस सर, चेक करो पहली एंट्री तो मैंने बताई आपको, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ जी सर, यस सर, से एक सर ऊपर दिखाना क्वेश्चन। ओके सर, दूसरी एंट्री चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यस सर, ठीक है। तीसरा आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये तीसरी एंट्री सर आपको मगअप करनी पड़ेगी, मैंने पहले भी बताई थी जब कराई थी, ये कभी बाद में हम लोग सीखेंगे इसको। अबे कुछ कहना चाहोगे? कम बोलते हो वैसे आप। ट्राई करो 11th क्वेश्चन, और ये आपके टीएस के क्वेश्चन है, तो आप टीएस को प्लीज ट्राई करें। अब
और अगर आप टीएस नहीं है कोई और ऑथर की बुक है कोई भी बुक है आप ट्राई करो, लेकिन इलस्ट्रेशन करना पहले ताकि कुछ एरर होगा तो आपको पता भी लग जाएगा। 11 करेंगे कर रहा हूँ। अच्छा पहले एंट्री तो सेम ही है। यस सर। अगर आपको अभी भी इनमें डाउट आ रहा है, वैसे मुझे लग नहीं रहा आपसे हो रहा है, फिर भी अगर आ रहा है तो जो मैंने एंट्रीज कराई है एक बार उसको रिवाइज कर लेना, एंट्रीज तो सारी वही है। सर हम सेकंड की नरेशन का लिखेंगे, Being cash received from bad debt या being bad debt recovered, सीधा लिख दो। ओके सर। हमें नरेशन में ये सब लिखना होता है, तो जैसे हमने लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ करी है या हमें 500 मिले हैं या कैश में मिले हैं? नहीं सर, सो हो गया। पहली एंट्री तो ठीक है आपके पास, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। दूसरे में आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। बोलो बोलो, हाँ कि ना? तीसरे में आएगा आपके पास ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यस सर। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए।